नमस्कार शिक्षार्थियों, गृह विज्ञान विभाग के परास्नातक कार्यक्रम में आहार एवं पोषण विषय के अंतर्गत आज हम जानेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। आज की इस व्याख्यान में हम कार्बोहाइड्रेट के संगठन तथा कार्बोहाइड्रेट के प्रकारों के बारे में बात करेंगे। जैसा हम अपने विषय में पढ़ते हैं, कार्बोहाइड्रेट एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है जो हमारे आहार का बहुत ही मुख्य भाग है। एक साधारण व्यक्ति के भोजन में 55% से 65% तक ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट द्वारा ही प्राप्त की जाती है। इससे ये पता चलता है कि कार्बोहाइड्रेट का जो परसेंटेज है हमारे आहार में वो सबसे ज़्यादा होता है। यह वनस्पति जगत से प्राप्त होने वाला मुख्य पोषक तत्व है। कार्बोहाइड्रेट जो पोषक तत्व है वह कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है और यह शरीर के लिए ऊर्जा यानी ईंधन का प्रमुख स्रोत होता है। जो हम आहार में कार्बोहाइड्रेट लेते हैं वह मुख्यतः स्टार्च और शर्करा, जिसको हम शुगर कहते हैं, वो होता है। वास्तव में कार्बोहाइड्रेट पशु जगत के ही पोषण का मुख्य साधन है। सभी जो पशु जगत के जो भी प्राणी होते हैं वो अपना आहार कार्बोहाइड्रेट के रूप में पौधों से ही प्राप्त करते हैं। पौधों में पाए जाने वाले हरे तत्व अर्थात क्लोरोफिल में असंख्य रासायनिक परिवर्तन होते हैं और यह क्लोरोफिल जो होता है यह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड और पृथ्वी की सतह से पानी लेकर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करता है और जिससे कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। इस प्रकार कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत पौधे होते हैं। अब बात करेंगे हम रासायनिक संगठन की। कार्बोहाइड्रेट एक यौगिक है जो विभिन्न तत्वों के संयोग से बना है और इसमें निहित तत्व हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इन तीनों तत्वों के पारस्परिक रासायनिक संयोग के परिणाम स्वरूप कार्बोहाइड्रेट का संगठन होता है। कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन ठीक उसी अनुपात में होते हैं जिसमें जिस प्रकार जल में विद्यमान रहते हैं, यानी 2:1। इनके अंत में प्रायः OSE शब्द जोड़ा जाता है, जैसे ग्लूकोज, माल्टोज, जो भी ऐसे शब्द होंगे, जो भी ऐसे शुगर होंगी जिनके अंत में ओज शब्द होगा उसको हम मानते हैं कि वह कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट का ऊर्जा मूल्य 4 किलो कैलोरी होता है, अर्थात 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। वर्गीकरण की हम बात करते हैं। कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण उसके भौतिक और रासायनिक विशेषताओं के आधार पर किया जा सकता है। भौतिक गुणों के आधार पर कार्बोहाइड्रेट 2 तरह की होती है, शर्करा और अशर्करा, यानी स्वीटनर्स एंड नॉन स्वीटनर्स। शर्करा जो होती है वह स्वाद में मीठी, जल में घुलनशील यानी जल में विलेय, ठोस और क्रिस्टलीय होती है, जैसे सुक्रोज। सुक्रोज जो हम टेबल शुगर यानी जो घर में खाने वाली चीनी होती है वह सुक्रोज होती है। अशर्करा यानी नॉन स्वीटनर्स जो होते हैं ये स्वादहीन होते हैं, मीठे नहीं होते, जल में अविलेय मतलब जल में घुलनशील नहीं होते और अक्रिस्टलीय होते हैं, जैसे सेल्युलोज और स्टार्च जो मुख्यतः कॉम्प्लेक्स जो शुगर्स होती हैं, यानी जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेक्राइड जिसके बारे में अभी आगे बात करेंगे वो मुख्यतः अशर्करा होती है। फिर रासायनिक विशेषताओं के आधार पर बात करें तो कार्बोहाइड्रेट कई तरह के होते हैं, जैसे मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स के अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट की सबसे सरल रासायनिक इकाई आती हैं जो एकल इकाई होती हैं और जिनके संयोजन से जटिल कार्बोहाइड्रेट बनते हैं। मोनोसैक्राइड साधारण रूप से मीठे होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं, रवेदार और पाचन के एंजाइम से अप्रभावित होते हैं। इसका पहला प्रकार है ग्लूकोज। समस्त कार्बोहाइड्रेट पदार्थ पाचन के पश्चात ग्लूकोज के रूप में ही जल शरीर में अवशोषित होते हैं जो दैनिक कार्यों के लिए हमें ऊर्जा प्रदान करता है। यानी किसी भी तरह का हम कार्बोहाइड्रेट अगर आहार में लेते हैं तो वह चयापचय द्वारा अंत में ग्लूकोज में ही परिवर्तित होता है और इसी प्रकार में हमारे रक्त में अवशोषित होता है, हमारे शरीर में अवशोषित होता है और हमें एनर्जी देता है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाने पर यह ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में यकृत में अथवा शरीर के वसी ऊतकों यानी एडिपोज टिश्यूज में जमा हो जाता है, जो उस समय हमें ऊर्जा प्रोवाइड करता है, ऊर्जा प्रदान करता है जब हमारे आहार की कमी होती है या जब हम आहार ग्रहण नहीं करते। उस स्थिति में हमें ग्लाइकोजन से ही ऊर्जा मिलती है। और ग्लूकोज के आहारी स्रोत हैं अंगूर, शहद, चीनी, गुड़, चुकंदर, आलू, शकरकंद, अरबी, ये सब इसके उत्तम आहारी साधन हैं। फिर अगला मोनोसेक्राइड है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज जो होता है वह ठोस, रवेदार, स्वाद में मीठा और पानी में घुलनशील होता है। यह फलों के रस में पाया जाता है। इसे फल शर्करा यानी फ्रूट शुगर भी कहते हैं और फलों के अतिरिक्त यह शर्करा गन्ने और शहद में भी पाई जाती है।
तीसरा मोनोसैक्राइड है ग्लैक्टोज। ग्लैक्टोज शर्करा का निर्माण दुग्ध शर्करा लैक्टोज के पाचन के दौरान ग्लूकोज के साथ होता है, यानी ग्लैक्टोज जो होता है वह लैक्टोज से प्राप्त होती है और यह स्वतंत्र रूप में विद्यमान नहीं होती, यह हमेशा ग्लूकोज के साथ उपस्थित रहती है और जब शरीर में इसको ग्रहण किया जाता है लैक्टोज को तो यह टूटकर ग्लूकोज और ग्लैक्टोज बनता है। ग्लैक्टोज ग्लूकोज में परिवर्तित होकर रक्त में अवशोषित हो जाता है और यह शर्करा वनस्पति जगत के खाद्य स्रोतों में विद्यमान नहीं होती है, यह अकेली शर्करा होती है जो प्राणी जगत से प्राप्त होती है। फिर हम बात करते हैं डाइसैक्राइड्स की। डाइसैक्राइड्स होते हैं जब मोनोसैक्राइड की दो इकाई यानी दो यूनिट्स मिलकर शुगर बनाती हैं या कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करती हैं तो वह डाइसैक्राइड कहलाता है। डाइसैक्राइड जल में घुलनशील होते हैं, रवेदार होते हैं, अम्लीय हाइड्रोलिसिस यानी एसिडिक हाइड्रोलिसिस या एंजाइमेटिक एक्शन के द्वारा डाइसैक्राइड को साधारण शर्करा यानी सिंपल शुगर मोनोसैक्राइड में परिवर्तित किया जा सकता है। इसका पहला एग्जाम्पल है माल्टोज। माल्टोज माल्ट का एक घटक है। माल्ट वह होता है जब हम अनाज को पानी में भिगोने और उसके अंकुरण के दौरान उसको उसमें जो शुगर बनती है उसको हम माल्ट कहते हैं और मुख्यतः यह माल्ट जो होता है यह हमें एनर्जी ड्रिंक्स जैसे जो हम एनर्जी ड्रिंक्स यूज़ करते हैं जैसे बॉर्नविटा या कॉम्प्लान इन सब में यह माल्ट उपस्थित होता है। यह सामान्य चीनी की तुलना में केवल 30% मीठा होता है, यानी खाने में यह कम मीठा होता है परंतु इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी ग्लाइसेमिक सूचकांक बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि जब हम इसको आहार में लेते हैं तो इससे ब्लड शुगर बहुत तेज़ी से बढ़ता है, तो इसके लिए यह डायबिटीज़ के रोगियों के लिए अनुपयुक्त होता है। इसका मतलब यह है कि जो भी एनर्जी ड्रिंक्स अगर हम लेते हैं, जो एनर्जी पाउडर्स हम लेते हैं, वह डायबिटीज़ के रोगियों के लिए उपयुक्त नहीं होते। इस शर्करा का उपयोग मुख्यतः ब्रेड यानी डबल रोटी बनाने में किया जाता है और इसका उपयोग बियर के प्रोडक्शन बियर के उत्पादन में भी किया जाता है। यह बियर के उत्पादन में एक महत्वपूर्ण घटक है और चूंकि यह बहुत ज़्यादा मीठा नहीं होता तो स्वतंत्र रूप से एक स्वीटनर यानी मीठे के स्रोत के रूप में यह यूज़ नहीं किया जाता। दूसरा डाइसैक्राइड है लैक्टोज। जैसे अभी हमने बात करी थी कि यह शर्करा दूध में पाई जाती है, इसे दुग्ध शर्करा यानी मिल्क शुगर भी कहते हैं। यह कम मीठी, पानी में आसानी से न घुलने वाली और कम रवेदार होती है। यह दो सरल शर्करा से निर्मित है यानी ग्लूकोज और ग्लैक्टोज। लैक्टोज सभी प्रकार के दूध में पाया जाता है और माँ के दूध पर निर्भर रहने वाले शिशुओं को ऊर्जा प्रदान करने का यह प्राकृतिक बहुत अच्छा तरीका है। इसके पाचन के लिए लैक्टेज एंजाइम की आवश्यकता होती है जो लगभग सभी शिशुओं में मौजूद होता है और जिसका स्तर आयु वृद्धि के साथ गिर सकता है। तो अगर बड़े होने पर यानी थोड़े बड़े होते हैं उसमें अगर हम लैक्टोज का चयापचय सही नहीं हो पाता तो इसको हम लैक्टोज इंटॉलरेंस यानी लैक्टोज असहिष्णुता कहते हैं और इसके कई प्रकार के लक्षण देखने को मिलते हैं जैसे बेचैनी और अतिसार, सूजन, गैस, ये सब इसमें देखने को मिलते हैं। या इसलिए होता है क्योंकि उम्र के साथ लैक्टेज एंजाइम की कमी शरीर में हो सकती है जिसके कारण लैक्टोज शुगर का पाचन नहीं हो पाता और उसकी वजह से ये लक्षण देखने को मिलते हैं। मक्खन और पनीर में लैक्टोज लगभग नहीं के बराबर होता है। दूध में भी नया नहीं होता है क्योंकि दही बनाने की प्रक्रिया में प्रयोग होने वाले बैक्टीरिया से दूध में उपस्थित लैक्टोज ग्लूकोज लैक्टोज और लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, तो लैक्टोज इसमें इंडिविजुअली प्रेजेंट नहीं होता। फिर अगला है सुक्रोज। सुक्रोज को हम गन्ने की शर्करा भी कहते हैं। सुक्रोज पाचन के उपरांत खंडित होकर ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदल जाता है। यह रवेदार, पानी में घुलनशील और मीठा होता है और व्यापारिक स्तर पर यानी कमर्शियल लेवल पर इसको हम गन्ने, ताड़ और चुकंदर से प्राप्त करते हैं और जो हम घरों में टेबल शुगर यूज़ करते हैं उसको सुक्रोज कहते हैं। फिर हैं पॉलीसैक्राइड्स। पॉलीसैक्राइड्स में कार्बोहाइड्रेट पदार्थ दो से अधिक यह वो कार्बोहाइड्रेट पदार्थ होते हैं जो दो से अधिक शर्करा इकाइयों से मिलकर बनते हैं, यानी इसमें कई सारे मोनोसैक्राइड्स होते हैं जो मिलकर पॉलीसैक्राइड का निर्माण करते हैं। यह आकारहीन होते हैं, सामान्यतः अघुलनशील होते हैं और मीठे नहीं होते हैं और कई सारी चूंकि यह शर्करा की कई सारी इकाइयों से मिलकर बने होते हैं इसलिए इनका अणुभार यानी एटॉमिक वेट बहुत ज़्यादा होता है। इसका पहला एग्जाम्पल है स्टार्च। स्टार्च कार्बोहाइड्रेट का सबसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म यानी जटिल रूप है और पौधों में जो स्टोर्ड एनर्जी का फॉर्म होता है कार्बोहाइड्रेट का संग्रहित रूप होता है वह स्टार्च ही होता है।
सभी प्रकार के अनाजों जैसे गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, सभी तरह के जड़, कंद, बीजों में स्टार्च पाया जाता है। विविध प्रकार के वनस्पति स्रोतों में बड़ी मात्रा में उपलब्ध होने के कारण यह सस्ते खाद्य पदार्थ में बहुत ही आसानी से उपलब्ध होता है, इसीलिए यह हमारे आहार में ऊर्जा प्राप्ति का प्रमुख साधन है। शुद्ध स्टार्च जो होता है वह सफ़ेद, बेस्वाद और गंधहीन पाउडर के समान होता है जो ठंडे पानी या अल्कोहल में अघुलनशील होता है, और इसमें दो प्रकार के अणु होते हैं, रैखिक अमाइलोज यानी लीनियर अमाइलोज और ब्रांचेस अमाइलोपेक्टिन्स यानी शाखित अमाइलोपेक्टिन, यानी सीधी रेखा में इसमें अमाइलोज होते हैं और जो ब्रांचेस होती हैं वो अमाइलोपेक्टिन की होती हैं। फिर है सेल्युलोज। सेल्युलोज जो पॉलीसेक्राइड होता है यह केवल पौधों में पाया जाता है और मनुष्यों में इसका पाचन नहीं होता, तो जो एनिमल्स होते हैं, जो पशु होते हैं, उनमें सेल्युलोज के लिए पाचन के लिए एंजाइम होते हैं और वह इसका पाचन कर सकते हैं, परंतु मनुष्यों में इसके पाचन के लिए कोई एंजाइम नहीं होता, इसलिए मनुष्यों में इसका पाचन नहीं हो पाता। यह सब्जियों के रेशे, अनाज के छिलकों आदि में पाया जाता है। और सेल्युलोज का शरीर में पाचन न होने पर भी यह स्वास्थ्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसको हम आहारी रेशा भी कहते हैं, क्योंकि इसको आहार में लेने से जो व्यक्ति का जठरांत्रीय तंत्र है यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है वह स्वस्थ रहता है। आंतों की मांसपेशियों को क्रियाशील रखने के लिए यह आवश्यक होते हैं। फिर अगला पॉलीसेक्राइड है डेक्सट्रिन। डेक्सट्रिन स्टार्चयुक्त भोजन को पकाने व भूनने से प्राप्त होता है। जब हम स्टार्च से युक्त भोजन को पकाते हैं तो वह डेक्सट्रिन में कन्वर्ट हो जाता है। आहार में इसका बहुत अधिक महत्व नहीं है, परंतु कई सारे प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों यानी प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट यानी कॉर्न शुगर, कॉर्न सिरप और हनी, इनमें यह पाया जाता है। और प्रोसेसिंग के जो पॉइंट ऑफ व्यू है यानी प्रोसेस प्रोडक्ट के नज़र से हम देखें तो यह डेक्सट्रिन इंडस्ट्रियल पैमाने पर अधिक महत्वपूर्ण होता है। फिर अगला पॉलीसेक्राइड है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन स्टार्च का सरलीकृत रूप है जो मनुष्यों या पशुओं के यकृत में जमा होता है। इसको हम एनिमल स्टार्च भी कहते हैं यानी पशु स्टार्च भी कहते हैं, और यह कार्बोहाइड्रेट का चूंकि संग्रहित रूप है तो जब शरीर बीमारी की अवस्था या भोजन न मिलने की अवस्था में होता है तो ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर बॉडी को ऊर्जा प्रदान करता है। फिर है पेक्टिन। पके हुए फलों में जो पॉलीसेक्राइड उपस्थित होता है उसको हम पेक्टिन कहते हैं। चीनी की उपस्थिति में या जेली का रूप धारण कर लेता है, इसलिए फलों का पेक्टिन जो होता है वह जेली जमाने के काम में आता है। जो कैंडीज और जैम्स और जेलीज हम लेते हैं उसमें पेक्टिन उपस्थित होता है, और यह भी इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। पेक्टिन का शरीर में पाचन नहीं होता। स्टार्च और ग्लाइकोजन पाचनशील होते हैं जो शरीर द्वारा पचाए जा सकते हैं, पॉलीसेक्राइड की बात करें, और सेल्युलोज और पेक्टिन पाचनशील नहीं होते, अर्थात मानव शरीर द्वारा इन पॉलीसेक्राइड का पाचन नहीं हो पाता। परंतु स्वास्थ्य की दृष्टि से यह भी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह आहारी रेशे के रूप में शरीर में कार्य करते हैं। तो शिक्षार्थियों, इस व्याख्यान में हमने कार्बोहाइड्रेट के प्रकारों और उसके संगठन के बारे में जाना। नमस्कार।